ये हमारे हनुमानगढ़ में ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, आज इसका लाइव प्रसारण हो रहा है, देखते हैं ये कैसी है। मैं विनोद गढ़वासरा इंडिया से ड्रोन फ्लाइट ले चुका। ये बकोलिया जी, सर जी अभी हम आपका जो है डेमो देख के हैं, जो आपने अभी यहाँ हनुमानगढ़ के किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी के लिए आपने बुलवाए, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप जनता को क्या संदेश और क्या बताना चाहेंगे? राजस्थान सरकार की ड्रोन के उपयोग और इसके महत्व के बारे में बजट घोषणा के अनुसार जिले में फार्मर्स को दिखाने के लिए आज ARB वेंचर्स जो कंपनी है जो ड्रोन का उत्पादन करती है, सप्लाई करती है, तो उन लोगों का एक ट्रेनिंग कार्यक्रम था, उसमें फार्मर्स को ठीक सर तो ज्ञान दिया। इसमें आपके हिसाब से फार्मर्स को क्या कितना फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से हो सकता है? फार्मर्स को तो फ़ायदा इसलिए है कि वर्तमान में जो मैनुअल तरीके से हम लोग केमिकल का ही बड़ा रूप लें तो केमिकल के लिए कम से 400-500 लीटर पर हेक्टेयर पानी का यूज होता है, लेकिन ड्रोन का उपयोग करते हैं तो उसमें लगभग 20-25 लीटर में पर हेक्टेयर पानी का यूज होता है, तो पानी की तो डेफिनेटली बचत है। दूसरा ये कि केमिकल का एक्टिव ग्रेडिंग्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे काम में नहीं लेते, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है जो केमिकल का एक्टिव ग्रेडिएंट्स है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा ये टेक्नोलॉजी हवाई स्प्रे करती है, तो ट्रैक्टर वगैरह से जो अपने बूटे तोड़ते हैं उनका नुकसान भी? देखिए, ड्रोन से बूटे तोड़ने का या प्लांट को नुकसान होने का कोई अभी तक सूचना नहीं है। नहीं, वो नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान नहीं होने की संभावना है, नहीं होगा ये मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन जैसा देखा है समझा है इसका और ये लगता है कि पौधों को नुकसान नहीं होगा। तो जैसे अभी ये अपने को बता रहे थे बागों में इसका पर प्लांट ये स्प्रे करेगा, तो उससे आपका क्या विचार है? देखिए, ड्रोन जो है वो ये कि जैसे आपका कोई खेत है, खेत में आपकी ढाणी भी है, पशु भी है, बड़े पेड़ भी हैं, छोटे पेड़ भी हैं, लेकिन इसे जिस क्रॉप में जिस केमिकल के लिए सेट किया जाएगा, उसे कमांड दी जाएगी, वो उसी क्षेत्र में उसी केमिकल करता है। ये बाकी जो आपका ढाणी है या कोई आपका पेड़ पौधे है जिनको छोड़ना है वो छोड़ देगा, जहाँ पर एक स्प्रे नहीं चाहिए वहाँ नहीं करेगा। और इसके बारे में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि नई टेक्नोलॉजी अपने को समझना चाहिए और राजस्थान सरकार भी इस बारे से फार्मर्स को प्रूफ कराने के लिए प्रोत्साहन कस्टमर सेंटर वाले फार्मर्स को प्रूफ कराने के लिए FPOs को देने का प्लान कर रही है। हो सकता है इस साल से जिले में कुछ टारगेट्स मिलने की संभावना है, अपने जिले में इस साल शुरू हो जाएंगे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं विनोद गढ़वासरा संगरिया से।